बिल्कुल, आई थिंक हर साल जो है कोशिश करते हैं सेट पर ही बर्थडे सेलिब्रेशन हो, और पिछले कुछ सालों से सेट पर ही हो रहा है और उम्मीद है कि आगे भी हो। इस बार जो है मुस्कान के सेट पर है, तो अच्छा लग रहा है कि पूरी लगभग मतलब बहुत लोग हैं हमारे जो यूनिट के लोग, काफ़ी लोग अंदर शूटिंग भी कर रहे हैं, बट सबसे खुशी है कि इस बात की है कि आप लोग सब हैं। हर साल आई थिंक कहीं ना कहीं आप लोग पहुंच ही जाते हैं, चाहे वो नायगांव हो, उमरगांव हो या आमगांव हो। सो अच्छा लगता है कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, इट फील्स रियली नाइस, थैंक यू। किस तरह से एक अलग होने वाला है बर्थडे पिछले बर्थडे से आपका? यार हर साल मैं सोचता हूँ कुछ अलग हो, लेकिन वही है कि कल मैं मैंने ऑफ लिया है और कल मैं सोने वाला हूँ, वो सबसे अलग होगा क्योंकि नॉर्मली हमें टाइम नहीं मिलता है कि आराम से सोएं। तो आई थिंक कल पूरा दिन जो है मैं उठूँगा आराम से, और मेरी दिन की शुरुआत होती है यूजुअली बर्थडे के दिन मैं पूजा करता हूँ, जो मेरी खास पूजा होती है वो मैं आराम से कल मेरी पूजा स्टार्ट होगी नहा धोकर, उसके बाद मैं शायद बाहर निकलूँगा, दो तीन कुछ पर्सनल काम हैं आराम से वो करके, फिर हर साल की तरह कुछ खास फ्रेंड्स हैं जो मुझे सरप्राइज़ देते हैं, उम्मीद है कि इस साल भी देंगे। वो कहते हैं ना कि हर एक दोस्त कमीना होता है, तो मेरे कुछ दो तीन दोस्त हैं जो बहुत ही कमीने हैं, बहुत ही अजीज़ हैं मेरे, तो बहुत सालों से मेरे साथ हैं, तो उम्मीद है कि वो कल मुझे सरप्राइज़ देंगे। मुझे लग रहा है आज रात को ही 12 बजे मुझे सरप्राइज़ मिल जाएगा, लेकिन आज नहीं तो कल तो डेफिनेटली होने वाला है। प्लस आई थिंक बहुत सारे फैंस के मैसेज आ रहे हैं, दो दिन पहले ही मेरा बर्थडे स्टार्ट हो गया था, बहुत सारे केक्स कटे हैं, बहुत मेल्स आ रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स आए हैं सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग गिफ्ट्स आए हैं, सो कमाल का बर्थडे रहा है। बच्चे जो है काफ़ी खुश रहते बर्थडे को लेकर, आप कितने बचपन में? बिल्कुल यार, आई थिंक मैं अभी भी बच्चा ही हूँ यार, मतलब उम्र ना ही बताएं तो बेटर है, बट आई थिंक हम सब बच्चे ही हैं और आई थिंक बच्चे रहने चाहिए, दिल तो अभी बच्चा है। सो आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आता है, जैसे मैं किसी से कह रहा था कि जब हमें गिफ्ट्स मिलते हैं तो हम गिफ्ट्स कैसे फाड़ते हैं एक्साइटमेंट में, तो लिटरली अगर कोई मुझे देखे तो मैं गिफ्ट्स फाड़ रहा था, रैपिंग पेपर को फाड़ रहा था देखने के अंदर गिफ्ट क्या है। सो आई थिंक दैट एक्साइटमेंट वो बहुत कमाल की चीज़ होती है जो हम सब में होनी चाहिए, जो मुझ में अब तक है और उम्मीद है कि आगे भी रहेगी। ओके, अब तक का एक स्पेशल बर्थडे जो आपने सेलिब्रेट किया अब तक, अगर कोई शेयर करना चाहिए मेमोरी पहले की? आई थिंक हर साल बहुत ही स्पेशल रहा है, बिकॉज जैसे मैंने आपसे कहा कि हर साल मैं सोचता हूँ कि ये साल बहुत बहुत स्पेशल होगा, लेकिन अगला साल इतना स्पेशल होता है कि मैं पिछले साल को भूल जाता हूँ, तो ऐसा चलता आ रहा है पिछले कुछ सालों से, और उम्मीद है कि कल का दिन भी बहुत स्पेशल हो। मेरा स्पेशल दिन जो है आज आप लोगों ने इतना स्पेशल बनाया इतने दूर आके, जो बहुत ही स्पेशल है, आई थिंक इट्स रियली नाइस, और जैसे मैंने कहा कि हर साल आप लोग आते हैं विच इज़ वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, इट्स रियली रियली स्वीट एंड रियली रियली नाइस जेनरस ऑफ यू पीपल कि आके आप लोग यू नो इसका हिस्सा बनते हैं मेरी खुशी का। मैं पूरे साल कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को खुश रखूँ, लेकिन ये जो खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, सो थैंक यू सो मच। और कल का दिन जैसे मैंने आपसे कहा, उम्मीद है कि बहुत मेमोरेबल हो और पिछले साल से ज़्यादा बेटर हो। अपने फैंस को? अरे यार, मैं फैंस को बस ये कहता हूँ थैंक यू सो मच, बहुत सारे गिफ्ट्स आए इस साल, इतने आए कि मेरी गाड़ी भर चुकी है, मुझे शायद एक ट्रक लाना पड़े अभी, बट थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ ऐसे गिफ्ट्स इतने मत भेजिए, इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मत भेजिए, मुझे सिंपल कार्ड्स भी अच्छे लगते हैं, मुझे जो हैंडमेड जो आप लोग बनाते हैं वो बहुत अच्छा लगता है, सो थैंक यू सो मच। इस साल इतने गिफ्ट्स आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं प्यार जो है लोगों का बहुत बढ़ा है, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जो पिछले कुछ सालों से बढ़ चुका है, सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक है और कहीं ना कहीं बिल्कुल कुछ सही चल रहा है, तभी जो है फैंस का इतना प्यार मिल रहा है और कोई जो है ऊपर जो बहुत खुश है मुझसे, और उम्मीद है कि वो हमेशा खुश रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।